मुझे लगता है कि आप सभी लोग बेहतर जानते होंगे कि जब भी हमारे देश में सत्ता परिवर्तन होता है, ये आप देखिए राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता है, तो इनके साथ एक परंपरा और बन जाती है, नाम बदलने की परंपरा। आपने देखा होगा कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, तो उसके बाद कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की बात कर लीजिए, कई शहरों के नाम बदलने की बात कर लीजिए, और इसी क्रम में झांसी का जो रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे अपनी, तो आपको मालूम होगा कि रानी लक्ष्मीबाई से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और एक बात और बताता हूं आपको, देखिए हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म तब होता है जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, और आपको बता दूं कि उस समय लड़कियों को पढ़ने की या फिर आप देखिए बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं मिलती थी। आप सोचिए कि अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसे उसकी चिता में साथ जला दिया जाता था, सती प्रथा हुआ करता था। और आप सोचिए कि उस समय एक महिला निकलती है, संघर्ष करती है और अंग्रेजों से लड़ती है, और लड़ते हुए शहीद हो जाती है। और इसीलिए आप देखिए कि हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, और आप देखिए जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनका सम्मान होता रहेगा, उनके बारे में लोग पढ़ते रहेंगे। उस समय आप देखिए कि महिलाएं हुआ करती थी, पुरुष भी हुआ करते थे, और आप देखिए इतनी सारी जनसंख्या थी, हम लोग कितने लोगों को याद रखते हैं। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि इंसान की देखिए जिंदगी बहुत से बहुत 200 साल हो सकती है, किसी की 100 साल हो सकती है। 100-200 साल के बाद आप देखते हैं कि आदमी को याद नहीं रखा जाता है, अगर उसके कर्म अच्छे ना रहे, उसने ऐसा कुछ ना किया हो जो इतिहास में दर्ज ना हो। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 20-25 साल की उम्र में ही या 30 साल की उम्र में ही कुछ ऐसा कर जाते हैं कि इतिहास में उन्हें याद रखा जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि 200 साल जीने के बाद भी उनका नाम याद नहीं रखते। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ले लीजिए, उस समय भी लोग हुआ करते थे, लेकिन आप देखिए कि हम तीन लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। खैर इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे तो आप सभी को मालूम भी होगा। आज हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक बार पहले इनके जन्म स्थान को देख लीजिए, उसके बाद झांसी को देख लीजिए, और इनका अंतिम समय जहां इनकी मौत होती है उस शहर को भी देख लीजिए। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और इसमें अगर आप देखेंगे पृथ्वी पर हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है एशिया में, और पड़ोसियों को देखें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ऊपर चाइना, ये अफगानिस्तान। और इसमें अगर देखें आप लोग तो उत्तर प्रदेश में एक शहर आपको देखने को मिलेगा, बनारस, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक कुछ समय के बाद झांसी चली जाती है, और ये आपको देख रहा होगा झांसी। उसके बाद आप देखेंगे ये अंग्रेजों से लड़ती हैं, और उसके बाद आप देखते हैं ये ग्वालियर में शहीद हो जाती हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, और आपको ऑप्शन दे देता है बनारस, कानपुर, झांसी, ग्वालियर। तो कई लोग क्या करते हैं कि झांसी लगा देते हैं, बनारस लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा ग्वालियर में है इनकी, फूलबाग के पास। अगर इनके जन्म की बात करें या जन्म के बारे में क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना होगा कि बनारस में है, ना कि झांसी में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि झांसी रानी, झांसी की रानी, जैसे ही इस नाम का उल्लेख होता है तो आप लोग क्या करते हैं कि झांसी टिक लगा देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, इन्हें आप लोग बड़े ध्यान से सुना करिए और याद किया करिएगा। और ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, दिख रही है या नहीं दिख रही है, यही है रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म होता है 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इनके पिता की बात करें तो देखो मोरोपंत तांबे इनके पिता का नाम, और माता की बात करें तो भागीरथी बाई इनकी माता का नाम था। और जब इनकी उम्र 4 साल थी तब इनकी माता की डेथ हो जाती है।
और इनके बचपन के नाम की अगर बात करें तो मणिकर्णिका, और उन्हें प्यार से लोग मनु भी कहते थे। तो इन दो नामों को भी याद रखें, कई बार क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे ये झांसी चली जाती है नाना के यहाँ, वहां इन्हें छबीली कहकर पुकारा जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे 12 साल की उम्र में, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ बाल विवाह हुआ करता था पहले, छोटी ही उम्र में आप देखिए शादियां कर दी जाती थी। तो 12 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई की शादी कर दी जाती है, और झांसी के जो राजा थे राजा गंगाधर राव, इनसे इनकी शादी हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि उनका एक पुत्र दामोदर राव पैदा होते हैं, जो जन्म के 4 महीने के भीतर ही उनकी मौत हो जाती है। और शिशु की मृत्यु के बाद उनके पति ने एक चचेरे भाई के बच्चे आनंद राव को गोद लिया, और जिसका नाम महाराजा की मृत्यु से एक दिन पहले दामोदर राव रखा गया था। यानी कि आप देखिए इनका अपना बेटा नहीं था दामोदर राव, इन्होंने गोद लिया हुआ था। और आप देखिए कि अंग्रेज जब डलहौजी हमारे देश में आता है तो वो इसे को नहीं मानता है, वो कहता है कि जो तुम्हारा अगर तुमने गोद लिया हुआ है वो आपका वारस, यानी कि आप कह सकते हैं कि वारिस नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी गद्दी का हकदार नहीं होगा। अगर आपका ही बेटा है, आपने ही उसे जन्म दिया, तभी उसे आपका उत्तराधिकारी माना जा सकता है। और इसी को लेकर आप देखिए कि एक विपगत का सिद्धांत भी आप लोगों ने सुना होगा, उसी को लेकर आप देखिए विपगत सिद्धांत के तहत झांसी को भी अंग्रेज अपने अंडर में ले लेते हैं, और रानी लक्ष्मीबाई उनसे लड़ती हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर योद्धाओं में से एक थी, और 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी। 1853 में जब झांसी के राजा की मौत होती है तो लॉर्ड डलहौजी ने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी कि देखिए राजा का उत्तराधिकारी मानने से उसे इनकार कर दिया। क्योंकि आपको फिर से बता देता हूं कि ये बच्चा जो दामोदर राव थे, ये रानी लक्ष्मीबाई के बच्चा नहीं था, इन्होंने गोद लिया हुआ बच्चा था। और विपगत का सिद्धांत को लागू किया जाता है और राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साम्राज्य को विलय से बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, और 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मौत यानी कि शहीद हो जाती है। ये कब की बात है? 1858 की ग्वालियर की बात है। और आप देखते हैं, आप भी जानते हैं, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो रानी लक्ष्मीबाई के की मौत में किसी को अगर जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो सिंधिया घराने को, और लोग अभी भी उंगली उठाते रहते हैं, आप भी जानते हैं। जब इंडियन नेशनल आर्मी ने अपनी पहली महिला इकाई यानी कि 1943 में शुरू की तो उसका नाम झांसी की बहादुर जो रानी थी इनके नाम पर रखा गया था, रानी लक्ष्मीबाई के। ठीक है, अगर हम लोग विपगत के सिद्धांत की बात करें, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चंस क्या होता है पूछ लेता है, तो यह वर्ष 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की जाने वाली एक विलय नीति थी, और इसके अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां के शासक के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। देखिए जैसे ही आप सभी जानते हैं कि राजा गंगाधर राव की मौत होती है, उसके बाद उनके बेटे की भी आप जानते हैं कि मौत हो चुकी थी 4 महीने की उम्र में ही, उसके बाद वो गोद लेते हैं, उसे अंग्रेजों के द्वारा उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है और झांसी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इस प्रकार भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता है। और विपगत का सिद्धांत लागू करते हुए डलहौजी द्वारा निम्नलिखित राज्यों पर कब्जा किया गया था, सतारा पर 1848 में, जैतपुर और संबलपुर में 1849 में, बाघाट में 1850, उदयपुर में 1852, झांसी में 1853 और नागपुर में 1854। इस डेट को भी याद रखिए, क्या होता है कि इन तारीखों से भी क्वेश्चन आ जाता है कब किसे शामिल किया गया था। झांसी को 1853 में, सतारा को सबसे पहले आप देखिए 1848 में। अब बात आती है नाम बदलने की प्रक्रिया की, तो ये भी बता देता हूं, किसी भी गांव, कस्बे, शहर या स्टेशन का नाम बदलने के लिए राज्य विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से
पारित एक कार्यकारी आदेश की आवश्यकता होती है, और जबकि संसद में बहुमत के साथ एक राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। और इसी में आप देखिए, जैसे आप लोग पहले इलाहाबाद जानते थे उसे अब प्रयागराज जानने लगे हैं, समझ रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने अनापत्ति मिलने के बाद किसी भी रेलवे स्टेशन या स्थान का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे देता है। तो ये प्रक्रिया आप कह सकते हैं कि क्या जिस जो भी नाम बदलने की रहती है उसकी बताई जा रही है। फिलहाल आप लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में विस्तार से याद रखिए, इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और वैसे भी आप देखिए, हमारे देश की महान क्रांतिकारी आप कह सकते हैं महिला थी, तब भी आप लोगों को इनके बारे में मालूम तो होना चाहिए ना।